JSR की अगर हम बात करें, आप देखिए एक वाइड रोटेशन देने की कोशिश कर रहे थे, बीच में एक खिलाड़ी को पकड़ा गया और वहां पर उसको इंस्टेंटली फिनिश ऑफ भी कर दिया गया। ज़ेरेफ के पास कुछ और लूट काउट की अगर हम बात करें, ये जाएगा जरूर नॉडी के काफी करीब और उनको काफी ज्यादा डैमेज भी इन्फ्लिक्ट करने में कामयाब हुआ है। एक और नॉक शायद यहां पर निकालना चाहते टीम एक्स पाक के खिलाड़ी, ये क्या कनेक्ट कर पाएगा वो देखने वाली बात रहेगी। जी नहीं, अभी के लिए वो कनेक्शन आएगा नहीं। दो प्लेयर्स आगे की तरफ जरूर से आ चुके हैं और पूरी तरीके से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश यहां पर जारी है। ये जो कंपाउंड है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस पर्टिकुलर जोन में। लेट्स सी कि यहां पर क्या होने वाले। अगर ऊपर की तरफ आएंगे अल्ट्रॉन तो एक हाइट का अच्छा एडवांटेज वहां पर हमें देखने को मिल रहा है अननोन के शिवम के पास, जो उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अभी के ऊपर एक ग्रेनेड भी जाता हुआ नजर आ सकता है। लेट्स सी यहां पर क्या होगा, ओपनिंग का इंतजार रहने वाला है। ये एक बेहतर ग्रेनेड होगा, जाएगा गिल की साइड से अभी डाउन और अब क्या एक पुश आएगा। अभी भी जो ग्रेनेड है उसका इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है एंड आप देखिए कि ये जो आग का एक दरिया है वो पार करके जाना पड़ेगा। अल्ट्रॉन वहां पर आगे की तरफ जाएंगे, नॉक करेंगे, जो फिनिश है वो भी सिक्योर करेंगे एंड टीम एक्स पाके एक बार फिर से ड्राइविंग सीट पर। लेकिन एक प्लस स्काउट जो है वो नॉक डाउन पड़े यहां पर, किल को आगे जाकर के फाइट लेनी पड़ेगी। अपने ओपोनेंट्स को पूरा एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक प्लेयर बचा है, वन प्लेयर लास्ट टाइम उस एक प्लेयर ने गेम बदल दिया था टीम एक्स पाके के विपरीत। बट किल आगे जाएंगे, दो फिनिशेस गिल के हिस्से में आते हैं, मावी के हिस्से में एक फिनिश आता है। स्काउट को रिवाइव मिल जाएगा, टीम एक्स पार्क स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग।